हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप सभी को कक्षा 10 की चित्रकला का महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न को आज आप सभी को हल कराने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये ऐसे प्रश्न हैं कि जो 2024 के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वायरल प्रश्न है। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को आप एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न आपको कराने वाले हैं, सभी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने यह पहला नंबर का सवाल है। फ्रेंड्स, देखिए क्या है आपका सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा है। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है सरल रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, वक्र रेखा या क्षैतिज रेखा। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे जो लयात्मक रेखा के अंतर्गत आता है वो एक सरल रेखा होता है। कैसा रेखा? देखिए ये क्या है आपका, एक रेखा है जिसे हम लयात्मक रेखा कहते हैं, इसे सरल रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको आप एक जगह नोट्स बना के प्रॉपर लिखिए। फ्रेंड्स, आपको जितने भी प्रश्न कराएंगे सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न ही कराते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने दूसरा नंबर का सवाल है, किनारी डिजाइन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो किनारी डिजाइन होते हैं कहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप साड़ी का निर्माण करते हैं ना, साड़ी जब बनाते हैं तो उसके किनारे का डिजाइन बनाने के लिए फ्रेंड्स कहाँ पे प्रयोग करते हैं, तो साड़ी की किनारा बनाने के लिए। किसका किनारा बनाने के लिए? फ्रेंड्स, साड़ी का किनारा बनाने के लिए किनारी डिजाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। फ्रेंड्स, आपका अगला नंबर का सवाल है, एकाकी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है। ऑप्शन है एक का होगा, दो का, तीन का, चार का। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है एकाकी। एकांकी मतलब फ्रेंड्स क्या होता है? एक। एकांकी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? एक। एक रंग संगति में कितने रंग आते हैं फ्रेंड्स? तो एक ही रंग आएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। अगला नंबर का सवाल आपका क्या है कि नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। फ्रेंड्स, आपको ये बताना है कि जैसे नीला रंग फ्रेंड्स जो होता है आपका जो नेत्र होता है फ्रेंड्स, इस पर कौन सा प्रभाव डालेगा। ऑप्शन है ठंडा, सामान्य, गर्म या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा कि जो नीला रंग होता है, ठीक है, नीला रंग जो होता है आपका कैसा रंग है, तो एक ठंडा रंग है। कैसा रंग है फ्रेंड्स? एक ठंडा रंग है। तो फ्रेंड्स, देखिए आपका नीला रंग जब आग पे पड़ता है तो कैसा प्रभाव डालता है? ठंडा प्रभाव डालता है। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल क्या है कि लाल और हरा रंग है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो लाल और हरा रंग क्या है। आपका ऑप्शन है उष्ण रंग है, तटस्थ रंग है, द्वितीय रंग है या विरोधी रंग है। तो फ्रेंड्स, देखिए आप इसको याद रखिएगा, लाल और हरा जो होता है एक दूसरे का जो होता है फ्रेंड्स, एक विरोधी रंग होता है। क्या होता है? एक विरोधी रंग। ये प्रश्न आपको कई बार करवा चुके हैं फ्रेंड्स कि लाल और हरा जो फ्रेंड्स होता है एक दूसरे के विरोधी होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ फ्रेंड्स आपको बताते हैं कि आपको बार बार पूछता है फ्रेंड्स ये प्रश्न, सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, सफ़ेद का विरोधी रंग होता है काला, या काला का विरोधी रंग कौन सा होता है? सफ़ेद होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है कि लाल में सफ़ेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो फ्रेंड्स, देखिए ऑप्शन है नारंगी बनेगा, गुलाबी बनेगा, हरा बनेगा या बैगनी बनेगा। तो फ्रेंड्स, देखिए आप याद रखिएगा कि जब लाल रंग लिए आप, ठीक है, लाल में अब क्या किए कि सफ़ेद रंग को मिला दिए, ठीक है, सफ़ेद। इन दोनों रंगों को साथ में आप मिलाते हैं तो आप एक अलग रंग मिलता है। देखिए कौन सा रंग मिलेगा उसे याद रखिएगा, गुलाबी रंग। कौन सा रंग मिलेगा फ्रेंड्स? गुलाबी। इस प्रकार से याद रखिएगा, जब लाल में हम सफ़ेद रंग मिलाते हैं तो हमें कौन सा रंग मिलता है? गुलाबी रंग। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले नंबर के सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला नंबर का सवाल है कि हरा, नारंगी और बैंगनी किस प्रकार का रंग है। ऑप्शन है प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग, ठंडे रंग या तटस्थ रंग। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, जो हरा हो गया, नारंगी हो गया, बैंगनी हो गया, ये तीनों जो रंग आते हैं आपके द्वितीय रंग के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय रंग के अंतर्गत आते हैं। कौन से रंग आएंगे फ्रेंड्स?
द्वितीय रंग। और फ्रेंड्स इसके साथ में याद रखिएगा कि द्वितीय रंगों की संख्या कितना होता है, तो द्वितीय रंगों की संख्या 3 होता है, जिसके नाम है हरा, नारंगी, बैंगनी। इतने प्रश्नों को फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि हरा, नारंगी, बैंगनी द्वितीय रंग होते हैं। द्वितीय रंगों की संख्या कितना है, 3 है, ठीक है। अगला नंबर का सवाल आपके सामने है फ्रेंड्स, 8वां नंबर का, क्या सरल रेखा लयात्मक होता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको पहला ही प्रश्न आपको कराए थे कि लयात्मक रेखा जो होता है उसे क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं। और यही फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि जो सरल रेखा है लयात्मक होता है, तो फ्रेंड्स क्या होता है, हाँ लयात्मक होता है। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला नंबर का सवाल देखिए फ्रेंड्स, 9वां नंबर का क्या है कि सूर्य की रोशनी में कितने रंग पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब सूर्य का प्रकाश आता है तो उसमें कितने रंग पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन है 12 रंग पाए जाएंगे, 18, 9 या 7। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जब सूर्य की रोशनी होता है जिससे आपका इंद्रधनुष बनता है, क्या बनता है फ्रेंड्स, इंद्रधनुष। आपको पता होगा कि सूर्य की रोशनी से बरसात के मौसम में इंद्रधनुष बनता है, और आपको ये भी पता होगा कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7। इस प्रकार सूर्य की रोशनी में टोटल कितने रंग होते हैं, 7 रंग। इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर का सवाल फ्रेंड्स आपके सामने है कि लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। ठीक है, ऑप्शन नारंगी बनेगा, पीला बनेगा, हरा बनेगा या भूरा बनेगा। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, जो लाल रंग है और उसमें यदि हरा रंग, इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो आपका एक रंग बनता है, वो रंग आपका है पीला। कौन सा रंग, पीला। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से याद रखिएगा कि लाल और हरा को आपस में मिलाने पर कौन सा रंग बनता है, पीला रंग। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर का सवाल देखिए फ्रेंड्स आपका है कि रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी रंग कौन सा होता है। सबसे अधिक पारदर्शी बताना है फ्रेंड्स कि कौन सा रंग होता है। ऑप्शन है पोस्टलर रंग, वाटर रंग, पेस्टल रंग या आयल रंग। तो फ्रेंड्स सबसे अधिक जो पारदर्शी रंग होता है फ्रेंड्स, उसे आप याद रखिएगा कि जो वाटर रंग होता है ना, वाटर रंग होता है जो सबसे क्या होता है, सबसे अधिक पारदर्शी रंग होता है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर का सवाल देखिए फ्रेंड्स 12वां नंबर का है कि तटस्थ रंग युग्म कौन सा है। ऑप्शन है काला और सफ़ेद, पीला और नारंगी, नीला और लाल, हरा और पीला। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कि जो तटस्थ रंग होते हैं उसमें आपका आता है काला, ठीक है, और क्या आ जाता है, काला और सफ़ेद जो होता है तटस्थ रंग आते हैं। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स इसके साथ में याद रखिएगा कि काला और सफ़ेद जो होते हैं एक दूसरे के विरोधी होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के विरोधी। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में सीधे पूछता है, ठीक है, इन सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। 13वां नंबर का सवाल देखिए फ्रेंड्स क्या है कि फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन प्रयुक्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स जैसे आपका ये फर्श है फ्रेंड्स, ये फर्श के जो मध्य भाग होता है ना, इस मध्य में कौन सा आलेखन प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है वृत्तकार, त्रिभुजाकार या आयताकार या वर्गाकार। तो फ्रेंड्स फर्श के मध्य में जो भाग है उसमें आलेखन जो प्रयुक्त होता है वह आपका होता है वृत्तकार। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर का सवाल फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 14 नंबर का क्या है कि सलेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है। आपको बताना है कि जो सलेटी रंग होता है फ्रेंड्स किन रंगों के मिश्रण से बनता है। ऑप्शन है काला सफ़ेद, नीला और सफ़ेद, पीला और सफ़ेद या भूरा और सफ़ेद। तो फ्रेंड देखिए 14 नंबर का जो सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इन सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। अगला नंबर का सवाल फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ऐसे सवाल फ्रेंड्स कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं। आपको फ्रेंड्स बताना है कि प्राथमिक रंग कौन सा है। ऑप्शन है हरा, आसमानी, पीला, लाल, नीला, पीला, काला, सफ़ेद, भूरा, यहाँ पे भूरा रहेगा फ्रेंड्स, भूरा, नारंगी, धानी, आसमानी। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कि पहले नंबर आप ये याद रखिए कि प्राथमिक रंगों की संख्या कितना होता है, टोटल 3 होते हैं, ठीक है। प्राथमिक अथवा मुख्य रंगों की संख्या टोटल कितने हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 है। और इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक अथवा मुख्य रंग के अंतर्गत जो आता है लाल, नीला, पीला आता है।
अगला नंबर का सवाल फ्रेंड्स देखें, यहाँ पे छठवां नंबर का देखते हैं, आलेखन कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कि जो आपका आलेखन होता है, आलेखन के प्रकार देखेंगे तो कितने प्रकार के आलेखन होते हैं? 4। इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला नंबर सवाल फ्रेंड्स 17वां नंबर का देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये सभी तो आपका याद होगा कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, ये सब प्रश्न याद रखिएगा। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ऑप्शन है गुलाबी, चमेली, कमल या गेंदा। तो फ्रेंड्स आपको याद है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले नंबर के सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स आपके सामने। अगला नंबर का 18 नंबर का सवाल क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज होता है, जो उसमें रंग प्रयोग किए जाते हैं, कितने प्रकार के रंग होते हैं? आपका ऑप्शन है एक वर्णीय होता है, यह वर्णहीन होता है, बहुवर्णीय होता है या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए आपका राष्ट्रीय जो ध्वज होता है उसमें दो या दो से अधिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बहुवर्णीय रंग कहते हैं। ठीक है, बहुवर्णीय होता है। इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आपका अगला नंबर का सवाल है कि ओष्ठवाल संबंधित है। आपको बताना है कि ओष्ठवाल किससे संबंधित है? तैल रंगों से है या संयोजन से है या तूलिका से है या रंगों से? तो फ्रेंड्स आप इस प्रश्न को याद रखिएगा कि ओष्ठवाल जो संबंधित है रंगों से संबंधित है। इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल क्या है कि वर्ण का अर्थ है। देखिए फ्रेंड्स ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है कि वर्ण का अर्थ बताना है। आपका ऑप्शन है ध्वनि से, चित्र से, रंग से या साफ रंग से। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा जो वर्ण होता है, वर्ण को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कला में रंग कहते हैं। वर्ण का अर्थ किससे है फ्रेंड्स? रंग से है। इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके चित्रकला से महत्वपूर्ण 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपको हल करा रहे हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक वीडियो आपको 20-20 क्वेश्चन का कराते रहेंगे कला से, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फ्रेंड्स आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।